रात के 11 बजे मैं लगा रही हूँ पोछा। एक्चुअली मैंने 2-3 दिन से कुछ भी ब्लॉग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बिजी थी। पर मुझे आज ऐसा लगा कि नहीं, मुझे वरना ऐसे करने से तो नहीं होगा, करना चाहिए। तो क्यों ना मैं, जब ऐसा फील हुआ तो मैं तब से शुरू कर दूं। तो अभी मेरा खाना हो गया, सब कुछ हो गया। 11 बजे 11 बज के 2 मिनट हुआ है। किचन पूरा टिप टॉप है, एकदम सब बर्तन साफ कर लिया है, एवरीथिंग। पर मुझे अभी भिगोना है चने का दाल, जो कि मैं बनाऊंगी कल। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अभी शूट करके रख देती हूँ, बाकी मैं कल से रेगुलर ब्लॉगिंग शुरू कर दूंगी। दो दिन ना घर में पानी का थोड़ा प्रॉब्लम था, जैसे कि टैंक में पूरा पानी फुल था, पर पाइप में थोड़ा जाम हो जाने की वजह से पानी ठीक तरह से नहीं आ रहा था। आ रहा था लेकिन प्रॉपर वे में नहीं। तो मैंने बेसिन जो एवरी ऑल्टरनेट डेज या फिर 2-3 दिन बाद साफ करती हूँ, 2 दिन मैंने कुछ नहीं किया। पर कल रात को पानी ठीक ठाक से आ रहा है, कल दोपहर से। और रात को जब मैं ब्रश कर रही थी, बेसिन देख के मुझे इतना गंदा लगा, पर तब और करने को मन भी नहीं था। इसीलिए आज सुबह जस्ट मैंने अभी अभी ब्रश किया, करके किचन की तरफ गई नहीं। अभी पहले मैं ये बेसिन साफ कर देती हूँ, उसके बाद बाकी काम शुरू करूँगी। और इस बार कुछ ज़्यादा ही गंदा हुआ था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक छोटू सा प्लांटर रखा था पानी लेके। नीचे से उसका मिट्टी पानी निकल के ना एकदम बेसिन के ऊपर एकदम जमा हो के था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही गंदा लग रहा था इस बार। इधर मैंने क्या बोलते हैं इसको, चने के दाल को सिटी लगाने के लिए चढ़ाया है। और इधर कच्चा पपीता को थोड़ा सा उबाल लूंगी। और ये जो प्रेशर कुकर के ढक्कन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार मतलब एक सिटिंग सिटी लगाया था, फिर खोल के देखा नहीं हुआ, तो दोबारा से लगा रही हूँ। फटाफट से मैं दाल में छौंक लगा देती हूँ। इसके लिए मैंने ये सब लिया है जो कि एकदम कॉमन है। मैंने कैसे कैमरे को पकड़ा और पहली बार दाल को कढ़ाई में डाला वो मुझे ही पता है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गई आज। थोड़ा सा आलू फ्राई कर रही हूँ, और ये जो लगा हुआ है ये सब दाल का है। आलू फ्राई के ऑयल में मैं अभी ये सब्जी भी बना लूंगी। बहुत सारा ऑयल था, ये तेल मेरा एकदम पसंद नहीं है। पूरा तेल हाथ में छिड़कता है, और मेरा पता नहीं क्यों आजकल मेरे साथ ये कुछ ज्यादा ही होगा। इसमें मैंने दे दिया तेज पत्ता, ड्राई चिली और गोटा जीरा। अब वनडे है वेज है, और पपाया का सब्जी ना वेज इतना अच्छा नहीं लगता। और ये गरम मसाला ज्यादा ही दे दिया है। इसे थोड़ा एक्चुअली इसको रखा था कि अगर धनिया पत्ता लाते हैं बाजार से तो चटनी बनाऊंगी मैं भी, भूल गई बोलना। और वो तो लाएंगे ही नहीं अगर बोला नहीं है।
क्योंकि आज सब्जी लाना नहीं था, ग्रोसरी वगैरह लाने गए थे, तो इसको अभी रख दूंगी तो देखना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो इसमें ये बेड का ऊपर जो हेडबॉक्स है ना, मतलब ये हर एक दो दिन तीन दिन बाद ऐसा क्लटर हो जाता है। मैं ही करती हूँ, मैंने और कौन करेगा घर में। नहीं ऐसा नहीं है, वो भी करते हैं, लेकिन मैं ज्यादा करती हूँ। जैसे कि ये ऑनलाइन से कुछ आया है तो पैकेट कल रात को मैंने खोल के यहाँ पे ही रख दिया। मेरी भी मुझे में भी दोष है, सबको ठीक करना है, तो मैं ऑफ कैमरा ये ठीक कर लेती हूँ, बाद में दिखाऊंगी। तो ये पार्ट मैंने अभी ठीक कर लिया है, लेकिन इतना डीप क्लीनिंग कुछ किया नहीं है, क्योंकि कल है ट्यूसडे तो कल नहीं होगा। वेडनेसडे को मैं पूरा घर साफ करूंगी। कितना अच्छा लग रहा है अभी ये देखने में। इस रूम का मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए तो ये सब, ये रस्सी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये रस्सी यहाँ पे जब तक रहेगा ना, ऐसे ही करते रहेंगे हम लोग। तो मैं ये भी ऑफ कैमरा कर लेती हूँ, करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये सब जो लाइट्स आप लोग देख रहे हैं, ये जो लाइट्स आप लोग देख रहे हैं ये सब हम लोगों ने खरीदा नहीं है, राजू ने लंबडिंग से भेजा है, मतलब मेरे बहन के हस्बैंड ने। उन लोगों ने ना जब फॉल्स सीलिंग किया था तब एक साथ बहुत सारा लाइट खरीद लिया था, तो ये चार था घर में। तो अभी राजू बोल रहा है कि आप लोग लेके लगाओ, क्योंकि ऐसे पड़े रहने से तो अच्छा यूज हो जाए। तो हम लोग लेके आ गए, बाकी तो बहुत सारा लाइट अभी खरीदना बाकी है, बहुत सारा। मैं घर ठीक करते करते, वो भी नहा के आ चुके और मैंने उनको खाने को भी दे दिया है, वो निकल जाएंगे खाना खा के। और वो वाला सब्जी अभी तक बना ही नहीं है, इसलिए सिर्फ दाल और आलू फ्राई से वो खा के जाएंगे। तो वो भी रेडी हो चुके हैं और जितना सा खाना खाना था हो गया है। चलो बाय बाय फ्रेंड्स। तो अभी बजा है 10:30। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिंदास हूँ। और अभी बजा है 10:30, पूरा बजा नहीं है, वो अभी निकल गए ऑफिस के लिए, थोड़ा सा लेट भी हुए हैं आज, उपाय नहीं है ना। मैं भूल जाती हूँ, कल भी शाम को जाके इतना बार बार चक्कर लगा के आई, पर मैं 2-3 इम्पोर्टेंट सामान लाना भूल गई थी। जो भी हो, अभी वो निकल चुके हैं, मेरा खाना भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है, ऑलमोस्ट क्या हो ही चुका है। दाल बनाया है, थोड़ा सा आलू फ्राई बनाया है, आज है मंडे तो प्योर वेज, तो थोड़ा सा आलू फ्राई बनाया है और क्या, पपाया का सब्जी, जो कि पपाया का सब्जी अभी बन रहा है, वो भी हो जाएगा तो मैं गैस ऑफ कर लूँगी। और मेरा बाल झड़ते झड़ते इधर से नहीं है, इधर से नहीं है, पता नहीं क्या होगा, जो होगा मंजूरे खुदा होगा। जो भी हो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, शायद 3-4 दिन मैंने बीच में किया नहीं। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू लाइफस्टाइल ब्लॉग, और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, मेरे पास अभी कुछ इतना है नहीं दिखाने को, शेयर करने को, क्योंकि दिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब मेरा चला जाता है वहाँ पे ऐसे बैठ बैठ के, तो मैं क्या शेयर करूँ क्या करूँ। और वहाँ से आने के बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ खास रेसिपी या फिर DIY करूँ, इतना एनर्जी तो मुझ में है नहीं। तो आप लोग कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक मुझे झेल लीजिए, उसके बाद मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को पूरी तरह से क्या बोलूँ, नया नया कुछ दिखाने की, रेसिपी शेयर करने की या जो भी हो।
तो फ्रेंड्स अभी मैं फटाफट से घर को लगाती हूँ झाड़ू। आज नहीं लगाऊंगी पोछा क्योंकि झाड़ू लगा के नहा के मुझे करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करके मुझे जाना है बाहर। बाहर तो जाना ही है, वहाँ पे काम चल रहा है और वो भी थोड़ा झमेला हुआ है आज, इसीलिए मिस्त्री भैया लोग सब बैठे हैं। वो ठिकादार भैया आएंगे, उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो एक दरवाज़ा लगाना लेके। जो भी हो तो मैं जाऊँगी थोड़ा सा टेलर के पास, फिर वहाँ पे जाऊँगी, देखूँगी क्या हुआ है क्या नहीं। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। तो मेरी पपाया का सब्जी बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा आलू फ्राई है जो कि मैंने बार बार बोला था मैं नहीं खाऊंगी, नहीं रखने के लिए, पर उन्होंने वो माने नहीं। और ये है मेरा दाल। तो मेरा सब कुछ रेडी हो गया है, अभी मैं फटाफट से किचन साफ कर लेती हूँ। मेरी पूजा हो गई है और जिस दिन फूल रहता है ना उस दिन इतना अच्छा लगता है मंदिर, पूजा करने में भी एक अलग सा अच्छा लगता है। बड़ा बज चुका है और मैंने अभी तक आज ब्रेकफास्ट नहीं किया। लास्ट में आप लोगों से 10:30 बजे मिली थी, उसके बाद ऑफ कैमरा बहुत सारा काम किया, पूजा किया और बाल रोज दिन तो मैं भिगोती नहीं हूँ और ऐसा लगता है ना कि मैंने नहाया नहीं है। एक्चुअली मैंने कंघी भी नहीं किया, अभी क्रीम लगाऊंगी, कंघी करूंगी, सब कुछ करूंगी, पर उससे पहले मैं करूंगी ब्रेकफास्ट क्योंकि मुझे लगा है बहुत भूख, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि सुबह से तो मैंने कुछ खाया नहीं है, जस्ट चाय पिया था। तो अभी मैं फटाफट से पहले करूंगी ब्रेकफास्ट, उसके बाद जो बाकी काम है करूंगी। पर आज थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, उल्टा पुल्टा इन द सेंस मैं सुबह आप लोगों को बोल रही थी ना वहाँ पे आज एक दरवाज़ा फिट करने गए थे मिस्त्री भैया लोग, पर दरवाज़ा कुछ उल्टा हुआ, कुछ पता नहीं मुझे भी इतना ठीक से, तो उन लोगों का कुछ और काम नहीं था तो अभी अभी आके चाबी दे के चले गए कि दीदी आज कुछ काम नहीं है। एक सेकेंड, मेरा अभी मैं अगर भाग के ना जाती तो मेरा ब्रेड पूरा जल जाता, बात करने लग गई थी। एक्चुअली ब्रेड खाऊंगी और ब्रेड के साथ खाऊंगी चने का दाल, वो ना लूची के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी कौन बनाएगा लूची अपने लिए, तो इसलिए मुझे अचानक से ऐसा लगा कि ऐसे ही मैं अभी ब्रेड बटर और चाय पीती, पर ब्रेड बटर नहीं खा के मैं दाल से खाऊंगी ब्रेड। 12 बजे अभी मैं ब्रेड खाऊंगी, चाय पीऊंगी और लंच कहाँ करूंगी, लंच आज होगा ही नहीं। तो आज तो अभी मुझे वहां पे जाना भी नहीं है, लेकिन अभी मुझे आलस आलस लग रहा है, मुझे तो जाना था थोड़ा टेलर के पास, भी 12 बज चुका है तो देखती हूँ। तो दोपहर के 12 बजे तो ये ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता, ये लंच ही है मेरा, तो अभी मैं कर लेती हूँ, खा लेती हूँ।